जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:57 हो गई है, 10:57। अभी तक मार्केट गिरा नहीं है, लेकिन 11:36 ने मैंने मुहूर्त निकाला है, 11:36 का, आज का 11:36 AM का। तो तब तक मार्केट थोड़ा सा बुल्स के फेवर में ही रहेगा, फिर बाद में एक सुनामी आ सकती है। सुनामी मतलब आज हो सकता है बहुत बड़ा रेड कैंडल भी बन जाए, ऐसा मेरा मानना है। तो डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। अब आ जाइए, आज एक महत्वपूर्ण, जो कल मैंने आप लोग को स्टॉप लॉस दिखाया था निफ्टी का, वो आज ट्रिगर हो चुका है, यानी कि स्टॉप लॉस हैज बिन हिट, विच इज़ अ सरप्राइज। बट सरप्राइज मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज ये लिखा, पहले तो ये पढ़, मार्केट इज ए सेल 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 ओनली सेल और डॉक्टर रेड्डी खाली बाय बाय, ये मेरा एक कारण है, वो शाम को समझाऊंगा। इंट्राडे बाई दिया मैंने डॉक्टर रेड्डी इंट्राडे के लिए, लेकिन पोजिशनल जो रखता है वो 4755 का स्टॉप लॉस डाले और 6000 का टारगेट रखे, ठीक है। एक और एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है, 10:17 पे लिखा है मैंने। नॉर्मली बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स इन एन इम्पॉर्टेंट स्टेट, होगा ये स्टेट लिखना भूल गया यहाँ पे, स्टेट राज्य, मार्केट फॉल्स इफ बीजेपी विंस एंड इफ बीजेपी लूज मार्केट राइज बिफोर रिजल्ट्स, इलेक्शन रिजल्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन बीजेपी इज गोइंग टू लूज इन बंगाल इलेक्शन एंड अ ड्रास्टिक फॉल इज ऑन द कार्ड्स, इट्स माई एजम्पशन ओनली। नॉर्मली क्या होता है, जब जब एक बड़े स्टेट का, जहाँ बीजेपी को अपनी साख की दाव लगी होती है, उस स्टेट के रिजल्ट के पहले अगर मार्केट को काफ़ी चढ़ा देते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी की हार हो रही है, और अगर मार्केट को काफ़ी गिरा देते हैं पहले तो कहीं ना कहीं बीजेपी जीतने वाली है, ऐसा मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से फाउंड किया, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। निफ्टी एज पर रेट स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि 68 का स्टॉप लॉस दिया था मैंने, 14768, लेकिन जिसको मेरे पे बिलीव है वो एक फाइनल एक स्टॉप लॉस डाल ले 848 का, और टारगेट वही है 14100 से लेके 13800 तक की टिल फिफ्थ में। ये मैंने लिखा 10:49 पे, और अभी हो गई है 10:59, 10 मिनट हो चुकी है। अब देख लेते हैं मार्केट की रेट, तो 768 मेरा स्टॉप लॉस अगर आप मानो तो हिट हो चुका, लेकिन उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ क्यों ये हिट हुआ। क्योंकि इस लाइन को जब आप ड्रॉ करते हो तो वहाँ 5-10 पॉइंट का फर्क रह जाता है, जब भी आप चार्ट में एक लाइन ड्रॉ करते हो, निफ्टी की जो रेजिस्टेंस लाइन है वो एक्चुअली आ रही है 790, वो कई बार आप एग्जैक्ट फिगर नहीं निकाल पाते हो। मेरी गलती क्या हुई कि मैंने एग्जैक्टली वो लाइन को देखते हुए दे दिया, लेकिन लाइन में कई बार, अब देखो मैं आपको फिर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, वाई 768 हिट हो गया, क्योंकि ये लाइन एग्जैक्टली अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये देखिए इस पॉइंट को टच करूंगा मैं, हाँ उसके बाद आगे ले जा रहा हूँ, तो ये कई बार ऐसा देखा गया कि इस लाइन के ऊपर जरूर इंट्राडे में जाता है लेकिन क्लोज नहीं कर पाता है। तो लाइन मेरी 760 या 770 के आसपास की थी, उस हिसाब से मैंने दिया था, लेकिन ये ऊपर निकला तो इसको बहुत लोग ब्रेकआउट बोलेंगे, लेकिन मैं ब्रेकआउट तभी मानूंगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे पाएगा, किस इस लाइन के ऊपर। अब ये लाइन क्या है, एग्जैक्ट फिगर आज का क्या है इस लाइन का, वो भी बता देता हूँ। अगर इसके ऊपर आज क्लोज आया था तो फिर घातक है, फिर कल भी एक बार तेजी रहेगी। 760 आ रही है ये लाइन, तो मैंने नहीं, हाँ ये 768 ही आ रही है ये लाइन, तो इस लाइन के ऊपर निकल गया 4 पॉइंट अभी, लेकिन 768 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती तो बहुत बड़ी मेरी हार होगी आज, ठीक है। लेकिन मुझे लगता कि ये हो सकता है बियरिश एंगल्फिंग आज बनाए, जो सरप्राइज होगा मार्केट के लिए। और नीचे की तरफ की लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए एक आज मेरे मन में एक शायरी भी आ रही है, चलिए वो भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। जब मार्केट में दिखने लग जाए सब कुछ हरा हरा, जब मार्केट, अभी अभी बनाई है मैंने शायरी, अभी थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले, जब मार्केट में दिखने लग जाए सब कुछ हरा हरा, समझ जाओ आगे फॉल है बड़ा बड़ा। जब मार्केट में दिखने लग जाए सब कुछ हरा हरा, समझ जाओ आगे फॉल है बड़ा बड़ा। और जब मार्केट में दिखने लग जाए सब कुछ लाल लाल, तुम पैसा डालो मार्केट में बटोरने को नया माल। जब मार्केट में दिखने लग जाए सब कुछ लाल लाल, तुम पैसा डालो मार्केट में बटोरने को नया माल। ये मैंने मार्केट का फंडा समझाया आपको।
अब इसका जो डाउनसाइड एंड आ रहा है वो 13,800 आ रहा है। अब मुझे लगता है कि जो लो बनेगा आने वाले कुछ दिनों में वो 14,100 से लेके 13,800 के बीच में बनेगा, और अगर किसी कारण से इसको भी ब्रीच कर देता है तो फिर 13,200 के लिए भी हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा मानना है। यहाँ पे सिर्फ सेल सेल बनता है, जब भी एक रेजिस्टेंस लाइन पे आता है मार्केट, यहाँ सेल करना बिल्कुल सेफ होता है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस क्या है, एनी क्लोज अबव 770। ठीक है, एनी क्लोज। ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिश करके आपको समझाया, और डॉक्टर रेडी मुझे क्यों अच्छा लग रहा है वो कारण मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, एक हफ्ते बाद बताऊंगा। ठीक है।